अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये ना मैंने ना मक्खन निकाला है, ये देखें ग्राइंडर में। अब मैं आपको ना आज ना देसी घी बनाने का तरीका बताती हूँ, देसी घी हम लोग कैसे बनाते हैं। ये कर लिया ना मैंने, अब ये सारा ना मक्खन है, ये सारा ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी में, फिर पकने के लिए रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा डाल के ये ना मैंने पकने के लिए रख दिया है। आपने ये पकेगा तो इसमें से घी निकलेगा, फिर मैं दिखाऊंगी आपको अच्छी तरह कैसे घी हम लोग निकालते हैं। तो अभी ये काफ़ी देर पकेगा क्योंकि ये जो लस्सी है ना इसमें दही वगैरह वो सारी ना मतलब सुड़ जाएगी वो, तो फिर उसके बाद ये सारी ना घी खुद ही निकल आएगा इसमें से, फिर वो हम छान के आपको दिखाते हैं। ये देख लें आप अच्छी तरह मक्खन है। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह घी कितना सारा निकल आया, काफ़ी सारा था ना उसमें, तो वो सारा सूर गया ना, मतलब पानी सूख गया इस करने से, तो ये घी निकला है, पानी सूख गया। तो ये देखें माशाल्लाह अभी ना इसमें लस्सी है, तो आप और पकेगा फिर आपको दिखाते हैं। पहले ना मैंने जाग लगा दिया था गर्म करके ना मलाई, तो मलाई मैं ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ, खाते नहीं ना हम लोग, तो इसके पापा भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते, तो फिर इसका ना हम घी निकाल लेते हैं। ये समझिए कि खालस घी है मलाई का बना हुआ घर का। चलो मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ, आपको जिसे नहीं आता वो बना लेगा, तो आप थोड़ा सा ना और ये सूखेगी ना लस्सी इसकी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ना ये बिल्कुल बन गया, ये ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, मतलब लस्सी। ये ना हम अब छान लेंगे, छान के ना मैं किसी बर्तन में ना डाल लूँगी, ये ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हो गया, ये देखें ना ये ब्राउन ब्राउन हो गई ना लस्सी जो थी, सूख गया इसका पानी मतलब लस्सी का। अब ये देखें ये घी बन गया, इसका कलर भी कितना प्यारा है, क्रीम क्रीम सा कलर, खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो अब ये हम छान के ना बर्तन में किसी में डाल लेंगे। ये तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज आप लोगों को देसी घी घर में बनाना सिखा रहे हैं, तो बहुत ही आसान हुआ घर में देसी घी बनाना, प्योर घी आप लोग घर में बासानी अब बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पहले मम्मा ने बताया था कि हम लोगों ने जो सा है इसकी जो सी लस्सी वो बिल्कुल ब्राउन हो गई है और तैयार हो गई है आपके सामने, पूरा हम लोगों ने घी जो है तैयार किया बासानी, अब आप लोग घर में जो सा है वो प्योर खालस देसी घी बना सकते हैं। ये देखिए कितना शफाफ है और खुशबू का क्या कहना, कितनी ज़बरदस्त और कितनी उम्दा आ रही है। ये लेके जी, ये है जी खालस देसी घी। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आप लोग अब घी बाज़ार से लें, बल्कि अब आप लोग घर में बासानी घी बनाएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इतनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इसको मलाई का हम लोगों ने घी बनाया, होममेड घी है, तो अब आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फ़ीडबैक दें। और इसको अब आप लोग मतलब रोटी पे लगा के जैसे भी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो अगर आप लोगों ने मतलब रोटी वगैरह चौपड़ के जिस तरह भी खानी हो तो आप लोग वो बनाकर खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।